माय नेम इज रवि कुमार, वेलकम टू एक्यूरेट इन्फो बाय रवि। आज का जो टॉपिक है वो मेरे से पूछा गया था कि सर एब्रॉड में जॉब लेनी है, मेरे को तो बाहर ही जाना है। मैंने इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं मोस्टली यही बोलते हैं कि सर बाहर ही जॉब करनी है, इंडिया में मुझे जॉब नहीं करनी है। सो इस पर वीडियो बनाए कि जॉब कैसे लें विदेश में, अगर हमारे को कौन सी पढ़ाई होनी चाहिए जिससे जॉब मिलने में आसानी होगी। सो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नया हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, और ये वीडियो अपने दोस्तों या फैमिली ग्रुप में शेयर कर दो जो बाहर जाना चाहता है इंडिया में पढ़ाई करने के बाद। देखो यार, ऐसा है जो बाहर मिस विदेश में, चाहे वो US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्री, सिंगापुर, मलेशिया, मिस कोई सी भी बाहर कंट्रीज में जो भी डिमांड है, जापान में सबसे ज़्यादा डिमांड नंबर 1 पे रैंकिंग के हिसाब से आप, मैं बताऊंगा। और अगर आपने वो पढ़ाई कर रखी है आपके बाहर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और वो कैसे जाया जाता है वो भी थोड़ी सी ट्रिक होती है हर कंट्री में जाने के लिए। सो थोड़ी ट्रिक्स मैं बताऊँगा ताकि शायद आपको काम हो जाए, लेकिन वो ट्रिक्स ऐसा नहीं है कि 100% काम करेगी। मेरी जो ओपिनियन है, मेरा व्यू है, मेरे थॉट्स हैं। पहले मैं बत रखना चाहूँगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। अगर आपने IT कर रखी है, आपने ग्रेजुएशन डिग्री अच्छी खासी कर रखी है और आपके पास स्किल है, आपका विदेश जाने का चांस बहुत है। अब विदेश कैसे जाएं अगर IT कर रखी है, डायरेक्ट आपको कंपनी नहीं मिल रही है, पहला तो है वो ऑनलाइन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं हो रहा है तो दूसरा एक ही बेस्ट तरीका है, आपको इंडिया में कोई अच्छी कंपनी में जॉब करनी है 1 या 2 साल, उसके बाद कंपनी आपको ट्रांसफ़र करेगी। यही एक बेस्ट तरीका है आपको विदेश में जॉब, अगर IT से रिलेटेड आपको करनी है, ठीक है। आप कैसे भी, या तो ऑनलाइन वगैरह से आप कर सकते हैं अच्छी खासी, अगर आपके पास स्किल है, आपके पास यूनिक स्किल है जिसे बोलते हैं कि कंपनी आपके बिना काम नहीं कर सकती, तो आपको जॉब अब्रॉड में मिल जाएगी श्योरिटी 100%। और अगर आपको उसमें इतना वो एक्स मिस एक्स आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे यार ऐसा नहीं है, तो सबसे दूसरा तरीका है आप इंडिया में कोई अच्छी कंपनी देखें यार, बेस्ट कंपनी। अगर हम टीट एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको पर्सनली, मेरा एक फ्रेंड था वो सिंगापुर में आया, मैंने पिछले 4 महीने पहले मैं उससे मिला था, तो अननोन मिला, मैंने कहा यार कहाँ काम कर रहा, तो उन्होंने कहा कि यार मैं TCS में काम कर रहा हूँ जो सिंगापुर में है, क्योंकि TCS मल्टीनेशनल कंपनी, राइट। मैंने कहा यार जी को जॉब कैसे मिली यार, नॉर्मल बैचलर ऑफ IT से था, किसी अन्ना मलाई और अन्ना यूनिवर्सिटी से था, आई थिंक किसी प्राइवेट कॉलेज अन्ना यूनिवर्सिटी जो एफिलेटेड, वहाँ से उसने ग्रेजुएशन कर रखी। उसने कहा यार मैंने 4 साल TCS में काम करा इन इंडिया में, जो मैंने टी तो कंपनी ने मुझे सिंगापुर में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझे भेज दिया। एक बेस्ट तरीका है यार, ठीक है। पहला तो ऑनलाइन वगैरह, अगर वहाँ से नहीं होता है काम तो आप किसी अच्छी कंपनी में ट्राई करो, इंडिया में 2-1 साल काम करो, आपको कंपनी खुद खुद भी बाहर भेज देगी, चाहे वो सिंगापुर हो, मलेशिया हो, जापान हो, कोई सी भी कंट्री, जब उनके प्रोजेक्ट चलते हैं आपको सेंड करेगी। दूसरी कैटेगरीज में आते हैं जो बहुत एक्सपर्ट नहीं है, जो अपना दिमाग ही नहीं लगाना चाहते ज़्यादा, मिस IT फील्ड में बहुत अपना माथा पच्ची नहीं करना चाहते। दूसरा कोर्स आता है होटल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसे बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी यार, दूसरा इसका बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आपने होटल मैनेजमेंट कर रखा है आपके जॉब के चांसेस बाहर बहुत है। देखो IT में दिमाग से होता है, होटल मैनेजमेंट में फिजिकली काम होता है, यही एक अंतर है, लेकिन दोनों इंडस्ट्री में पैसा ही पैसा है, ठीक है। और ये दो इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्रीज हैं विदेशों में नौकरियों की कमी नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि और भी इंडस्ट्रीज हैं मुझे बता देना डिस्क्रिप्शन में, जो मेरी थॉट्स हैं मैं यही बता रहा हूँ रैंकिंग के हिसाब से, कि अगर IT में बहुत ज़्यादा डिमांड्स है लेकिन IT में कैसे जॉब लेनी है मैंने बता दिया। दूसरा आता होटल मैनेजमेंट, जिसको कि काफ़ी मिस दिमाग नहीं मैं काम नहीं करना, मिस काफ़ी हाउ टू से लाइक बहुत ही टेक्निकल फील्ड में नहीं जाना, तो दूसरा कोर्स ऐसा है BBA करोगे या बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट करोगे, एग्जाम्पल के तो मैं तो चूज़ करूँगा बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। थोड़ी सी कमाई ज़्यादा है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, लॉन्ग आवर्स होते हैं, लेकिन विदेशों में आपको जॉब मिल जाती है। अब देखो बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट अगर आपने इंडिया से करना है तो IHM पूसा वगैरह है, उसके बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया में शायद 21 है, आप IHM पूसा के फॉर्म भरते हैं वहाँ से, अगर आपका वही नहीं होते कुछ टॉप
5 और टॉप 10 कॉलेज हैं रमैया, अगर साउथ इंडिया में रमैया है, नॉर्थ इंडिया में बीकाजी गामा है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईपी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, टॉप 10 कॉलेज, अगर आपने वहाँ से होटल मैनेजमेंट करा है, आपके चांसेस हैं अच्छी खासी जॉब विदेश में पाने के, क्योंकि वो आपको ओजीटी जिसे बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बोलते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं, और एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग होती है वो बाहर से आपको मिल जाती है। मैंने काफ़ी को देखा है कि जो यूएस वगैरह में भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने जाते हैं, तो उसका वीज़ा का नाम J1, आपको मैंने बता दिया है, ऊपर दे दें लिंक, आप J1 में वहाँ जा सकते हैं। सो ये दो इंडस्ट्री ऐसी हैं जो बहुत हाईली डिमांड में रहती हैं, होटल इंडस्ट्रीज और आईटी इंडस्ट्रीज। सो ये दो इंडस्ट्री में जिसने पढ़ाई कर रखी है अच्छे से, अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट है, अच्छा काम कर रखा है, उसको विदेश में नौकरी आराम से लंबे समय के लिए मिल जाएगी। सो मेरी वीडियो कैसी लगी बता देना। और एक तीसरा ऑप्शन है मेडिसिन लाइन, लेकिन यार देखो मेडिसिन लाइन एक ऐसी इंडस्ट्रीज है, हर जगह स्कोप ही स्कोप है, ठीक है। इंडिया में अगर आपने किसी अच्छे मेडिसिन लाइन में आपके आपके पास जॉब की कमी नहीं है। सो ये तीन इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, लेकिन बाहर जाने के लिए बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज हैं, आईटी, होटल मैनेजमेंट, तीसरा नर्सिंग में डाल सकते हैं, नर्सिंग भी बहुत अच्छा स्कोप है, ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग की हमेशा डिमांड रहती है, कनाडा में हमेशा डिमांड रहती है, मैं गूगल पर सर्च करता हूँ। ये तीन इंडस्ट्री ऐसी खतरनाक इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जॉब मिलने के चांसेस हैं, लेकिन आपको देखना है कि आपको कदम उठाना है, किस तरह से आपको वे में बाहर जाना है, ठीक है। काफ़ी तरीके हैं, काफ़ी हैं और जेन्युइन तरीके हैं, आप देखो कि किस कैटेगरीज में आप आते हैं और कैसे आप बाहर जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया एक आईटी का, एक होटल मैनेजमेंट का भी एक एग्जांपल देखो दे ही देता हूँ आपको। अगर आप बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, कुछ मत करो, यूएस का J1 अप्लाई कर दो, ठीक है। नहीं तो कोई एक ऐसे कॉलेज हैं कुछ, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट आई थिंक, वहाँ से आप करोगे तो ऑस्ट्रेलिया की पेड इंटर्नशिप होती है, मीन्स आप 3 साल वहाँ पढ़ोगे, ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोजर मिलेगा, आपके पास डिग्री हो जाएगी, वहाँ जाके आप जॉब ढूंढ सकते हैं, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो यही एक तरीके हैं जॉब पाने के विदेशों में। सो ये तीन इंडस्ट्री मैंने बता दी, आईटी, होटल मैनेजमेंट एंड मेडिसिन लाइन, आप कैसे भी जॉब कर सकते हैं अपनी एजुकेशन के हिसाब से, आप अपने एक्सपीरियंस के। सो ये वीडियो कैसी लगी बता देना यार कमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।